आरबीआई ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक को बड़ा झटका दिया है और उन पर कार्रवाई करते हुए 90 लाख तक का भारी जुर्माना लगाया है। पर आखिर ये जुर्माना क्यों लगाया, ये जानते हैं आगे। इस पेनल्टी का रीजन आरबीआई रूल्स का सही तरीके से पालन ना करना बताया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बात करें तो एक्सिस बैंक पर ये कार्रवाई इस कारण की गई क्योंकि बैंक ने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद आरबीआई ने बैंक पर केवाईसी से जुड़े साल 2016 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण ये लाखों का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ये भी पाया कि एक्सिस बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से लोन रिकवरी करते वक्त सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 नवंबर को एक प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की जानकारी दी और एक नोटिस जारी किया जिसमें बैंक ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन रिजर्व बैंक इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया। आपको बता दें कि सिर्फ एक्सिस बैंक पर जुर्माना नहीं लगा है, इस लिस्ट में मन्नपुरम फाइनेंस पर भी कार्रवाई हुई और करीब 42.78 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस फाइनेंस कंपनी पर ये कार्रवाई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डोमेस्टिक टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी 2016 के नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया। देखो ये तो साफ है कि जब बात नियमों पे आए या ग्राहकों के हित की आती है तो आरबीआई इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और सख्त कदम उठाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को भी सब्सक्राइब कर लें।